तरह ये फिलिंग करेंगे। बड़ा ही स्पेशल नान है जी इनका, ये जो चिकन वाला, ये जी वो तंदूर है जिसमें ये नान लगेगा। ले जनाब गर्मा गर्म चिकन वाला नान, और उसके साथ जनाब ये चटनी भी मिलेगी आपको धनिया पुदीने की। तो अभी मैं टेस्ट करता हूँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर भट्ट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपको जो मेरा कल वाला व्लॉग है बहुत पसंद आया, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, अच्छे कमेंट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का व्लॉग जनाब, सियालकोट में एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है अहमद मटन चने के नाम से, जो कि बड़ा अच्छा नाश्ता लगाते हैं। चने भी मिलेंगे आपको यहाँ से, उसके अलावा जनाब चाम मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको जो रोटी है वो तकरीबन कह लें कि आपको आलू वाली रोटी और कीमे वाला नान, और उसके अलावा जनाब और बहुत सारे नान हैं इनके पास, बेसन वाला नान, ये सारे नान आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आज मैं वहाँ का विज़िट करने लगा हूँ, क्योंकि नाम तो बड़ा सुना है, अब जाके देखते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है, तो आइए बिला तखीर अब चलते हैं जी। और इस टाइम हम जनाब हादमई रोड पे आ चुके हैं। ये हकीम हादमई रोड है, बड़ी मशहूर सियालकोट की रोड है जी ये वाली, और सामने ये ख्वाजा सफदर रोड। तो यहाँ जनाब एक नए चने वाले आए हैं, और नान भी आपको बड़े गर्मा गर्म मिलेंगे, आलू वाला नान, कीमे वाला नान, और भी काफ़ी नान है, कलवंजी वाला नान। तो अब जाके इंशाल्लाह देखते हैं, और मौसम देखें, अभी भी कह लें कि आज तकरीबन दो हफ्ते होने वाले हैं सूरज नहीं निकल रहा जी सियालकोट में। ये जी नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, और यहाँ पे चलते हैं, अभी जाके टेस्ट भी करेंगे, और घर के लिए भी मैंने लेके जाना है नाश्ता। तो यहाँ से करेंगे हम यू टर्न। अहमद नान हाउस के नाम से भी जनाब ये है, नान भी मिलेंगे आपको, और चने, मटन चने और पाए वगैरह भी हैं, देखते हैं अभी जाके। ये जी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, छोटे पाए, चिकन बिरयानी, स्पेशल तवा आइटम्स, बीफ निहारी, बोंग पाए। नहीं जी, ये सामने आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, जो आप देग कह सकते हैं या देश का कह सकते हैं। तो ये चने आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं हो गया लेट, तो अब सिर्फ चने हैं इनके पास, और कोफ्ते हैं, और बाकी निहारी ख़त्म हो चुकी है, पाए ख़त्म हो चुकी है। अभी यहाँ से चने लेके जाएंगे, और आपको मैं अंदर सेटअप भी दिखाता हूँ। ये जनाब अली भाई होंगे यहाँ पर जो रिसेप्शन पे हैं, यहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं अपना, और साथ तवा का जो स्पेशल इनका कह लें चाप भी मिलेगी आपको, चिकन चाप, और इसके साथ साथ आपको शामी कबाब भी मिलेंगे, और पोर्ट भी है यहाँ पे, चिकन पोर्ट, ये देखें जनाब। यानी ये ऑर्डर पे है, जब आप ऑर्डर देंगे तो इधर आपको दाल माश भी, तवा जो तवे पे बनती है वो भी मिलेगी, और सामने सीटिंग एरिया है वो देखिए सामने, और ऊपर फैमिली के लिए हॉल। और नान जनाब आपको स्पेशल जो नान है यहाँ से आपको बड़े मज़े मज़े के मिलेंगे। हम चलते हैं उस साइड पर, ये देखें ये तंदूर है, आपको नान बनते हुए भी दिखाते हैं जी। ये जनाब इधर है जी उनका नान का सेटअप, आलू वाला नान, कीमे वाला नान, चिकन वाला नान, तमाम नान मिलेंगे। लेंगे अब हम चिकन वाला नान, और उसके साथ बेसन वाला नान लगवाए हैं। तो अभी आपको ये अभी प्रोसेस भी बताएंगे किस तरह ये चिकन वाला नान बनाते हैं। ये जो पेड़े जो हैं आटे के, वो ऑलरेडी ये देखे हुए हैं। ये जी चिकन है जिसको ये जिसका नान लगाया जाएगा, अब ये तैयार कर रहे हैं, ये जो फिलिंग कर रही है, और ये पेड़े इस साइड से, और ये बेसन है जो बेसन का नान लगाएंगे इससे। बस अब कुछ ही देर में जनाब स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस, ये जनाब स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। यानी नान आपको बड़े स्पेशल मिलेंगे, शरीन के बड़े स्पेशल है, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी जनाब, पाए निहारी जो आपका दिल करे। लेकिन टाइम से आइएगा, क्योंकि टाइम आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मुझे आज निहारी नहीं मिल सकी यहाँ पे। तो ये कि सुबह सुबह आए तो फिर आपको ये तमाम जनाब चीज़ें मिलेंगी। अभी तो फिलहाल चले, और ये मैंने नान करवाए हैं, ये देखिएगा इस तरह ये फिलिंग करेंगे। बड़ा ही स्पेशल नान है जी इनका, ये जो चिकन वाला,
पेड़ा बन चुका है जिसमें फिलिंग उन्होंने कर ली है चिकन की। ये जनाब गार्लिक है और लहसुन अदरक ये इसको लगाते हैं और ये चीज़ भी। हाँ जी हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये लहदा नान होगा गार्लिक वाला। ये वाला जो हमने नान अभी बना रहे थे ये था चिकन वाला, ये गार्लिक वाला, और अभी चीज़ नान भी बनाने लगे हैं। ये देखिए चीज़ वाला नान भी ये रेडी हो रहा है, यानी तमाम वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे नान की। और ये अभी जनाब बेसन वाला नान लगाने लगे हुए आपको मैंने दिखाया था, यानी चार पाँच नान हमने करवाए हैं कैंटीन की जो स्पेशल है। अभी सियालकोट में कोई इस तरह का सारे नान आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, आलू वाला मोस्टली मिलता है, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी नान की। और इनकी एक जो ब्रांच है रघपुरा में भी है, काफ़ी मशहूर इलाका है सियालकोट का, मैंने उस पर व्लॉग भी किया हुआ है रघपुरे का। और दूसरी है पोल्डी बहराम पे इनकी ब्रांच है। ये देखिए कैसा माशाल्लाह खूबसूरत जनाब उसे सेट किया गया बेसन के ऊपर, और इसका जनाब ये नान लगाएंगे। ये जनाब आगे तंदूर की तरफ चला गया, ये सबसे पहले जनाब बेसन वाला नान जनाब लगाने लगे हैं। ये जी वो तंदूर है जिसमें ये नान लगेगा। पूरा प्रोसेस जो है मैं आज आपको दिखा रहा हूँ नान लगाने का। आया मैं नाश्ता करने था, लेकिन चले ये भी एक अच्छी चीज़ है, लोग देखते हैं। ये अभी जो लगाया जी बेसन वाला नान है, और अभी जो है ये गार्लिक वाला जी। नहीं अच्छा नहीं जी, अब ये बेला जा रहा है गार्लिक नान। ये बड़ा अच्छा और स्पेशल लग रहा है मुझे, क्योंकि गार्लिक नान पहले नहीं हमने खाया, आलू वाले चिकन वाले तो खाते रहते हैं। ये गार्लिक नान है जनाब, ये तो चला गया यहाँ से जनाब, ये अब जाएगा तंदूर के अंदर। इसी ज़माने लाहौर हम जब कभी जाते थे बचपन में, वहाँ ये तमाम नान मिलते थे, लेकिन अब सियालकोट में माशाल्लाह शुरू हो चुके हैं। अगर आपने नान लेने हैं स्पेशल नान चने खाने हैं तो आप ज़रूर इस ब्रांच पे विज़िट करें। गार्लिक नान सामने बेसन वाला नान, चिकन की अब चिकन वाला नान प्रोसेस हो रहा है, यानी ये बेला जा रहा है। ये ज़रा हैवी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा फिल्म की है उन्होंने चिकन की, यानी एक साइड से बेल के आगे जाते हैं जी। तंदूर वाले सेकेंड पर्सन है जो आगे तंदूर में नान लगाते हैं। ये जनाब चिकन वाला भी हमारा कह लेंगे, अब इसको इस तरह से सुराख करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाए। ये देखें, ये देखिए जनाब कितना खूबसूरत जनाब ये तैयार हो रहा है नान चिकन वाला। इस पर कलवंजी भी लगाई जा रही है, ये तिल लगाए जा रहे हैं, और ये धनिया। ये जनाब अब चिकन वाला नान भी लगा, काफ़ी वैराइटीज लग चुकी हैं, अब वो पकना शुरू हो तकरीबन आलमोस्ट पकने वाले हैं जो दो नान पहले वाले हैं, और ये अभी नान पक रहा है। ले जनाब ये नान रेडी हो गया जो सबसे पहला नान था, अब इसको ऑयल और घी वगैरह लगाओगे। ये जी बेसन वाला नान है, देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह मुँह में पानी आ गया देख के, और जो आउट ऑफ कंट्री में देखते हैं लोग उनके भी लाजमी मुँह में पानी आ गया होगा। ये जनाब बेसन वाला नान रेडी हो चुका है। ले जी अब ये सेकंड जो नान था गार्लिक नान, ये जनाब ये अभी इसको भी ऑयल लास्ट में यानी ऑयल लगाते हो, यकीन यानी इतनी शुरू आ रही है ना इसकी गार्लिक की, ये भी बड़ा स्पेशल है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप पसंद करते हैं तो। और बाहर से ये देखते हैं जनाब ये चने जो कि इस तरह से रेडी होते हैं। ये देखिए जी कोफ्ते और अंडे भी हैं जनाब उबले हुए अंदर गर्मा गर्म, और साथ नान, और नान भी जनाब बिल्कुल रेडी हो गया हमारा जो चिकन वाला नान है। ले जनाब चिकन वाला नान भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये जी चिकन वाला नान, उसको ऑयल लगाने के हैं,
ऑयल लगाने से ये है कि लुक अच्छी आ जाती है, खूबसूरत लगता है नाम। अगर आप ऑयल के बगैर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये जी ये फाइनल लुक, और अभी इंशाल्लाह टेस्ट भी करता हूँ मैं। ये जी उधर टेबल पे बैठते हैं और जाके इंशाल्लाह नान जाके खाना खिलाता हूँ। ले जनाब गर्मा गर्म चिकन वाला नान, और उसके साथ जनाब ये चटनी भी मिलेगी आपको धनिया पुदीने की। अभी मैं टेस्ट करता हूँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बताते हैं कैसा है जनाब नान का टेस्ट। चटनी के साथ ट्राई करते हैं। जी माशाल्लाह बहुत ही आला जनाब, बहुत ज़बरदस्त नमक और मिर्च जो है बड़ी इकोनॉमिकल है, तो बड़ा मज़ेदार नान लगाया है इन्होंने। चलिए एक्चुअली मैं टेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन अब नान मैंने ले लिया है, तो इंशाल्लाह किसी दिन आएंगे चने भी खा के जाएंगे। लेकिन ये बड़ा स्पेशल था नान था जो मैंने लगवाया है। ले व्यूअर्स माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट था, और ये स्टाफ भी बड़ा अच्छा है इनका। और ये जनाब देखें ऑर्डर पे चाप भी बन रही है, तो मुझे तो फुल हो गया पेट, यानी कि एक नान से एक बंदा बड़ी अच्छी तरह से पेट भर के खाना खा सकता है जी। एक नान भी बड़ा हैवी नान था, और ये चाप देखें गर्मा गर्म बन रही है चाप। तो यानी कि ज़रूर आप आएँ यहाँ पर आके, आप इनको अपना यानी टेस्ट चेक करें इनका आके। अच्छा उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और सियालकोट में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, इन्होंने अभी जो कह रहे कि एक ब्रांच की रंगपुरा में है, और एक अभी कोडली बहराम में इन्होंने ओपन की है। तो मैं कोडली बहराम वाली ब्रांच पे हूँ। तो अब चले जी, थैंक यू जी अली भाई, जज़ाकल्ला। ये जनाब अली भाई यहाँ आपको मिलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जनाब वापस, और चने अब नेक्स्ट पर रखते हैं, क्योंकि मैं नान खा के फुल हो चुका हूँ। और जो ये चिकन वाला नान था, ये जनाब 200 का था, 200 का नान के प्राइस थी। तो मैं आपको, क्योंकि प्राइस भी अच्छे लोग पूछते हैं, बाकी जो चने हैं वो आप 200 के ले लें, 300 के ले लें, 100 के ले लें, वो आपको मिल जाएंगे। ये जी इनका रेस्टोरेंट है, अभी चलते हैं जी घर। जी और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको जनाब अहमद मटन चने की जो नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है यहाँ पर, उसका विज़िट करवाया है। गए तो हम थे चने खाने के लिए, लेकिन वहाँ जाके जब नान देखे हैं तो जनाब चने वहीं के वहीं रह गए, तो नान खा के हम आ गए हैं। तो बड़ा मज़े का नान था, चिकन वाला नान था इनके पास, और गार्लिक नान था, चीज़ नान था, और इसके अलावा रोगनी नान भी, आपको काफ़ी वैरायटी है जी नान की। तो मैं फिर चिकन वाला नान खा के आ गया हूँ, पाए और नहारी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बड़ा अच्छा लगा है मुझे ये रेस्टोरेंट, आप भी कभी चक्कर लगे तो ज़रूर खा के जाइएगा। तो इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ज़रूर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। और मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसे शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर हमने 1 लाख करने हैं वो जल्द से जल्द हो जाए। वो आपकी कह लें कि ताउन की भी ज़रूरत है मुझे, तो ज़रूर आपने जो मेरा चैनल है वो शेयर भी करना है। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।